कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। 5 दिन पहले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था और तलाशी ली गई। छापेमारी में कुल 351 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई। बता दें कि साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप है और इसे सिलसिले में 6 दिसंबर को छापेमारी कार्रवाई शुरू की गई थी। अधिकारियों ने कुल 176 बैग में नकदी को रखा था और इन बैग्स में रखे कैश की गिनती शुरू की गई। कैश की गिनती के काम में आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों के लगभग 80 अधिकारियों की 9 टीमें जुटी थी। उन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया। सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों समेत 200 अधिकारियों की एक टीम और टीम तब शामिल हुई जब कर अधिकारियों को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरी 10 अलमारियां मिली। ये टोटल इस छापेमारी में 351 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर 300 करोड़ से ज्यादा रुपए मिलने के बाद लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कटाक्ष किए हैं। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रूपये का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं, सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाफ ये जो एक प्रचार अभियान चला कि एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, वो क्यों चलाया गया, क्योंकि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोग नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे और उनके नेता बार बार ईडी सीबीआई के खिलाफ बयान क्यों देते हैं। आप देखिए, कांग्रेस की शुरुआत से लेके अब तक घोटाले 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 ही, कालाधन और कालाधन ही नजर आता है। तभी तो 4 दिन हो गए, ना राहुल जी बोले ना सोनिया जी बोली, काले धन वाले के खिलाफ भी बोलने की बजाय चुप बैठे हैं, वोट सिले हुए। इंडी गठबंधन में वो लोग हैं जो अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे झेल रहे हैं, कोई बेल पर है, कोई जेल में है, तो किसी के पास के मित्रों के पास भी अरबों खरबों रुपए मिले। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्ज से निकली। एक कांग्रेस सांसद के नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताइए किस व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल सकता है। अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है, तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। और हम तो समाजवादी लोग उन्हें वो दिन याद दिलाना चाहते हैं 2022 का, जिस समय एक इत्र व्यापारी के घर पे भी 200 करोड़ से ज्यादा रुपया निकला था और उस समय बीजेपी के लोगों ने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये प्रचार कराया था कि समाजवादियों का पैसा है। गठबंधन की बैठक पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी क्योंकि पिछली मीटिंग में कमेटी बन चुकी थी और निर्णय हो चुका था कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। हाल ही में चुनाव हुए हैं, उसके नतीजों को ध्यान में रखते हुए जरूरत की हमें जनता के सामने एकजुट होकर अपनी बात रखें, साथ ही साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो। आने वाली मीटिंग काफी जरूरी है।
ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी क्योंकि कमिटीज बन चुकी थी पिछली मीटिंग में और निर्णय हो चुका था कि आने वाले समय में ये कमिटीज सीट प्रोजेक्शन, सीट शेयरिंग, इन सब मुद्दों पर बात करेंगी। हाल ही में चुनाव खत्म हुए हैं, उसके भी जो नतीजे आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो अर्जेंसी अब बनती है कि जनता के सामने एक अच्छा विकल्प बनकर हम उभरें, हम एकजुट होकर एजेंडा रखें, एक भाषा में सब बात करें, एक एजेंडा को लेकर चलें और साथ ही साथ सीट शेयरिंग पे चर्चा हो, वो टॉप मोस्ट लीडरशिप से ही हो सकती है हर राजनीतिक पक्ष की, तो ये आने वाली मीटिंग मैं मानती हूं काफी इम्पोर्टेंट है और देश के लिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष के लिए जो चुनाव आएंगे उसको मैं मानती हूं उसको एक निर्णय देगी कि किस डायरेक्शन में हमें जाना।